मेरे परिवारजनों, हमारे आदिवासी परिवारों में लखन कुंवर जी के मंदिर में पूजा अर्चना से खेती शुरू करने की मान्यता है। सिवनी की यह पुण्य भूमि शहीद बिंदु कुमारी, रानी दुर्गावती और राजा शंकर शाह की धरती है। मां भारती की रक्षा और हमारी संस्कृति की रक्षा में हमारे आदिवासी वीर वीरांगनाओं का योगदान यहां कण कण में दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने बीते दशकों में भारत की आजादी का सारा श्रेय सिर्फ एक ही परिवार के नाम कर दिया। कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई और है ही नहीं। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है, वहां सरकारी योजनाएं, वहां के रास्ते, अरे गलियां भी, सब कुछ उसी परिवार के नाम कर दी जाती है। यहां तक कि एमपी के घोषणा पत्र में भी सिर्फ वही एक परिवार दिखता है। साथियों, ये भाजपा है जिसके लिए हर गरीब, हर पिछड़ा, हर दलित, हर आदिवासी भाजपा परिवार का सदस्य है, मेरा परिवारजन है। ये भाजपा ही है जिसने आदिवासी समाज के विकास के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। आजकल एक कांग्रेस के नेता आदिवासियों में जाकर के झूठ फैलाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, भांति भांति के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों के तो मुंह में आदिवासी नाम शब्द शोभा नहीं देता है। कोई मुझे बताए भाई, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवाल का जवाब देंगे? सब पे सर दोगे? क्या ये आदिवासी समाज भाजपा सरकार बनने के बाद आया क्या? क्या ये हमारा आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से है कि नहीं? क्या ये हमारा आदिवासी समाज भगवान राम के जमाने में था कि नहीं? क्या हमारे इस आदिवासी समाज ने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम राम बनाया कि नहीं बनाया? ये हमारे आदिवासी समाज ने भगवान राम को भी संभाला कि नहीं संभाला? आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को पांच पांच दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। आदिवासी कहां रहता उसका पता नहीं था। उनको कभी विचार नहीं आया कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार जब आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया, आजादी के पांच छह दशक के बाद ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे, हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना, मंत्री अलग बने,
डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये काम करने वाले हम लोग हैं और आजकल गांव गांव जाकर के झूठ बोला जा रहा है, आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है, आग फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे आदिवासी भाई बहन, पहले आपको अंधेरे में रख करके लूटा है, अब आपको गुमराह करके लूटने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बना दिया, हम तो उन आदिवासियों के पुजारी हैं, भक्त हैं, भक्त। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर को, अभी 10 दिन के बाद ही आने वाला है, 15 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान में जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है, पूरा देश मनाएगा। ये भाजपा है जो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर भव्य स्मारक बना रहा है। ये भाजपा है जिसने भोपाल में देश के आधुनिक रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा। आज एमपी में पाताल पानी स्टेशन जननायक टंटिया भील के नाम पर है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह पर है, तो मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर रखा गया है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने पहली बार बैगा, भारिया और सहारिया जैसी पिछड़ी जनजातियों की सूद ली है। इनके विकास के लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए का एक खास मिशन शुरू करने जा रही है। आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये पीएम विश्वकर्मा योजना उन लोगों के लिए है जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये विश्वकर्मा समाज कौन है भाई? हमारे कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, हमारे लोहार जो लोहे का काम करते हैं, हमारे राजमिस्त्री जो मकान चुनते हैं, हमारे बढ़ई, हमारे कपड़े धोने वाले भाई बहन, कपड़े सिलने वाले भाई बहन, ऐसे अनेक लोगों के लिए हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है और करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया उनको नए औजार लेने के लिए, ट्रेनिंग के लिए और आगे चल करके बैंक से पैसा उनके कारोबार को दुनिया में फैलाने के लिए। इन कामों से भी अधिकतर गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही जुड़े हैं। इस योजना पर भी केंद्र सरकार करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है।